शिमला रियलिटी शो हुनरबाज में अपनी दमदार प्रस्तुति से हिमाचल का नाम रोशन करने वाले हिमाचल पुलिस के बैंड हार्मनी ऑफ द पाइंस बैंड को राज्यपाल ने प्रेरणा स्त्रोत्र पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि समाज को संदेश देने के लिए हार्मनी ऑफ द पाइंस बैंड को माध्यम बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी बैंड के माध्यम से राज्य पुलिस बल ने नशा, कोरोना महामारी, यातायात प्रबंधन इत्यादि पर वीडियो बनाए हैं। भविष्य में भी ऐसे ही सामाजिक विषय को लेकर योगदान दिया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि खाकी वर्दी के ये जवान इतने प्रतिभाशाली है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा इस बैंड के वीडियो क्लिप देखे थे और गोवा से भी उन्हें बैंड की परफॉर्मेंस को लेकर फोन आते रहते थे। बैंड की उपलब्धि को वे अपनी उपलब्धि मानते हैं। उनकी प्रस्तुति का कोई मुकाबला नहीं है, मुझे इन पर गर्व है। एक्चुअली वाटर स्पोर्ट्स, एयर स्पोर्ट्स और लैंड स्पोर्ट्स के बारे में जितने भी एडवेंचर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में इनको नए तरीके से हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है परमिशन दी है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो रूल और रेगुलेशंस के साथ यहाँ पे स्टार्ट की जाएंगी। तो उसी के नॉमिनेशन में जो हमारे होटल के ऑनर्स हैं और हमारे पैराग्लाइडिंग के पायलट्स हैं और वाटर स्पोर्ट्स के जो पायलट्स हैं, उन सभी को टूरिज़्म ऑफिस नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बुलाया गया है और इसी के रिगार्डिंग सभी बातें हुई कि क्या क्या इक्विपमेंट्स आप लोगों का, मेडिकल फिटनेस और फर्स्ट एड किट्स, अदर जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन सबको पहले चेकिंग करना है और उसके बाद ही आप जो है प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। हमारे टूरिज़्म विभाग का, जिनके सपोर्ट के कारण जो है आज यहाँ पर सिरमौर में पैराग्लाइडिंग या फिर अन्य साहसिक खेल हैं वो पॉसिबल हुआ है कर पाना। जैसे कि अभी तक जानते हैं कि सभी लोग जो है कुल्लू मनाली की तरफ जो है जाते हैं, और जबकि हमारे पास सिरमौर में उससे कहीं ज़्यादा अधिक संभावनाएं हैं, है ना, जो कि टूरिज़्म के उससे देख लें आप व्यू से या फिर किसी भी सुंदरता की व्यू से देख लें। और रीच के बात करें, जैसे चंडीगढ़ से या दिल्ली से कुल्लू मनाली जाना अपना 10 या 12 घंटे का रास्ता है, और जबकि हमारे यहाँ पर सिरमौर में आना 2 से 3 घंटे में पहुँच जाते हैं, है ना। उस व्यू से देखें तो बहुत ही अच्छी जगह है, संभावनाएँ बहुत हैं यहाँ पर, है ना, सिरमौर में। और जो कि यहाँ के टूरिज़्म विभाग के सहायता से, है ना, हम लोग जो ट्रेनिंग्स करी है हमने जो है आगे इस काम को जो है आगे बढ़ावा दें, है ना, वो पॉसिबल हुआ है। और जैसे कि सेफ्टी मेजरमेंट्स की बात करें तो आज उसी बारे में मीटिंग थी कि क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए, है ना, जैसे एम्बुलेंस फैसिलिटी या फिर हमारे इक्विपमेंट्स कि टाइम टू टाइम पासिंग हो, है ना, जिससे कि किसी भी प्रकार का दुर्घटना जो वो है उसकी संभावना कम हो सके।